ओके okay. चलिए एक स्टॉक और इस बीच सुबह सुबह जो कि थोड़ा ठीक कर रहा था आई थिंक जरा आप ऐसे ऐसे बैंक लेके आइएगा ये भी सिंक हुआ और अब मैं इसके पुट ऑप्शंस को देखा था हज़ार तिहत्तर पर भी डेलो पे आ गया क्रिटिकल है बैंक निफ्टी अब बैंक निफ्टी को डाक्टर दे, साहब बैंक निफ्टी के चार्ट पे जरा दो चीज़ें करिएगा आप स्पेशली जो ट्रेडर्स एक्सपायरी को ट्रेड करते हैं उनके लिए आई थिंक एक हल्का सा अगर आप देखें स्पष्टीकरण देना चाहूँगा आज का हाई रहा 50 डे एक्सपोनेंशियल बिग एवरेज ये बातें ऑप्शन राइटर्स के जहन में भी होती हैं और अब हम जिस लेवल को शायद पॉसिबली टेस्ट करें ऑन द डाउन साइड जो कि मोटा मोटी छियालीस एक है वो है 100 डे एक्सपीरियंशियल एवरेज तो ये इंडेक्स ऑन एक्सपायरी डे ऑप्शन राइटर्स के घेराव में तो है ही प्लस दो एवरेज के घेराव में है डॉक्टर तो साहब अगर वो ड्रॉ कर पाए ना प्लीज़ एक बार हंड्रेड और फिफ्टी डाल दीजिएगा और उसके बाद दिखाइएगा वो तीनों पुट्स जो मैंने अभी निफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से आपको कही थी निफ्टी बैंक का इंटरडे हाई था फिफ्टी डे और अब मोर और लेस टेस्ट हो रही है इसकी हंड्रेड डे एक्सपुंड की प्रोजेक्ट्री निफ्टी एट डे लो और एक याद बात याद रखिएगा अब आएगी ये कॉल पुट मैं आपको क्यों रख रह रहा हूँ इस वक्त कल भी सबसे बड़ा कॉल राइटर था एक बाईस हजार का और इक्कीस नौ सौ का इक्कीस नौ सौ के कॉल राइटर ने आपको नहीं जाने दिया बाहर और आप देखिए इक्कीस नौ सौ की कॉल का अब आउटस्टैंडिंग वाइज छियासी लाख हो गया है एक्सपायरी माइनस वन डे के लिए एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन है और नीचे इक्कीस आठ सौ के नीचे अगर आप कुछ देर और सस्टेन कर गए क्योंकि यही एक पोर्ट राइटर का जोन है फॉर दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो कि कल एक्सपायर होगा इसके नीचे बहुत दूर तक पोर्टराइटर्स नहीं है इसके नीचे अगर आप सस्टेन हुए कुछ देर और तो तब त, तब पुल बैक के चांसेस काफी कम हो जाएंगे याद रखिएगा सचिन एक दो दिग्गजों के बारे में बात करते हैं जो कि पॉसिबली इस डाउन स्विंग को स्पॉन्सर कर सकते हैं लेट्स लेट्स ब्रिंग बैंक बैंक स्क्रीन पे करीब करीब 1441 पे ट्रेड करता हुआ एज ऑफ नाउ इसने वो 20 डे एंड की डिट्री को छोड़ा नहीं है और बैंक्स uh, अभी न्यूज फ्लो से बिल्कुल परे भी हैं अभी आपका व्यू एच बैंक पर क्या बन रहा है सचिन जी पर डेटा तो काफी यू नो साइडवेज ही है इनफैक्ट प्राइस वाइज एंड यू नो ऑप्शनल डेटा वाइज भी क्लस्टर uh, काफी अच्छी तरह वेल well प्लेस्ड है 1430 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है 1460 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है तो आई थिंक एच में मुझे लग रहा है uh, uh, ज्यादा बड़ा परिवर्तन एक्सपेक्टेड नहीं होगा बट uh, जिस तरीके से आपने निफ्टी का विश्लेषण किया यहाँ पर एक बात एड करना चाहूंगा कि निफ्टी का जो डेली चार्ट पे एडीएक्स है उस एडीएक्स ने अभी 25 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है तो आई थिंक वो काफी अच्छे संकेत होते हैं एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले के तो जिस तरीके से ओवरऑल पैटर्न स्ट्रक्चर है मुझे भी यही लग रहा है कि इक्कीस का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट तोड़ने के बाद जो नीचे के लेवल्स ओपन हो जाते हैं वो लगभग राउंड इक्कीस तक के हैं तो मुझे लग रहा है मार्केट में एक थोड़ी सी अच्छी वर्टिकल ड्रॉप भी आ सकती है

क्लोजिंग के लिहाज से भी 21800 के नीचे की क्लोजिंग फिर शायद और मंदी के दरवाजे खोलेगी सचिन चलो चंद्रमा इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर बिफोर ट्रेंड में ये अच्छी तरह ड्वेलड इन है इनफैक्ट काफी दिनों से इक्कीस हजार नौ सौ का एक सपोर्ट अच्छा था वो सपोर्ट टूटने के बाद करके सत्र में हमने एक uh, अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन देखा था एंड आज भी जिस तरीके से ये पुल बैक फिजल आउट हुआ है और प्लस प्रीवियस डे स्विंग लो को यह ब्रीच uh, करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर क्लोजिंग uh, का जो इम्पोर्टेंस है वो फिलहाल अभी यू नो इम्पोर्टेंट नहीं होगा मुझे लग रहा है इक्कीस हजार आठ सौ तीस का जो इम्पोर्टेंट जोन uh, था वो आई थिंक वायलेट हो चुका है एंड अभी यहाँ से अगर रिवर्सल होना है तो मुझे लग रहा है इक्कीस हजार नौ सौ के ऊपर की क्लोजिंग एस्टेब्लिश होनी बहुत इंपॉर्टेंट होगी एल्स ट्रेजेक्ट्री नीचे इक्कीस हजार छह सौ तक काफी अच्छी तरह वाइड ओपन है